तो ये देखिए हैंड गार्ड खोलने के बाद गाड़ी देखने में कुछ ऐसी लगती है अभी। अरे भाई तुम्हारा ब्रेक पैड किधर गया? रात को गेट के बाहर रखा था, किसी ने गैप मार दिया। ये देखो बजाज वालों, नए गाड़ी में भाई का इंजन लाइट आ रहा है। ये कल दो तीन बजे से शाम तरफ ना, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि देखिए इस बाइक को तो वैसे भी तो 3 साल हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और उसको ठीक करवाने जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है इसका टेल लाइट, ये फ्यूज़ हो चुका है। तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है माई स्पेयर मार्केट से, तो ये जब भी आएगा तब मैं इसको फिक्स करूँगा और आप लोगों को बता दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए मैंने सोचा ये गाड़ी के साथ ये जो स्टॉक हैंडगार्ड आया था इसका पेंट पूरा पूरी उखड़ रहा है, सब हर जगह से उखड़ रहा है। यहाँ पे भी देखे तो इस तरफ भी पेंट पूरा उखड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि हाफलोंग पे हमारे यहाँ पे एक पेंट बूथ है जो सेंटर पे है, तो मैंने सोचा कि इसको वहाँ पे लेके जाऊँ और जाके इसको पेंट करवा के लाऊँ। मोस्ट प्रोबेबली इसको पेंट करवाने में शायद 1 से 2 घंटा लग सकता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको फिर से वाइट पेंट करवाऊँ तो ये बेहतर रहेगा। ये जो स्टॉक पेंट है जो कंपनी की तरफ से आया था ये भी बहुत बढ़िया है, पर इसने 3 सालों में बहुत कुछ झेला है। यहाँ पे जब भी मैं इसको ढालता हूँ तो यहाँ या फिर यहाँ पे लगता है, तो इसीलिए इसका पेंट पूरा पूरी उखड़ चुका है। यहाँ से भी अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ से भी देखिए पेंट पूरा अच्छे से हर तरफ से उखड़ रहा है, और बहुत स्क्रैचेस भी आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए ज़रा स्क्रैचेस भी है। तो मुझे स्क्रैच एकदम भी पसंद नहीं है अपने बाइक पर, तो मैंने सोचा कि आज इसको सेंटर लेके जाऊँ, वहाँ पर एक पेंट बूथ है वहाँ पर जाके इसको पेंट करवाऊँ। और मैंने क्लच केबल वगैरह भी ऑर्डर किया है, देख सकते हैं क्लच केबल भी ख़राब हो चुका है, पहले की तरह स्मूथ नहीं है, तो क्लच केबल भी ऑर्डर करवाया और भी बहुत कुछ ऑर्डर करवाया। और हमारे पास और एक चीज़ आया है, हमारे पास एक पार्सल में एक चीज़ आया है जिसका वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को कल तक मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक लोगों के घर पर होना चाहिए, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि हर एक कार लवर्स या फिर बाइक लवर्स या फिर जो लोग भी मशीनरी चीज़ों से प्यार करते हैं उन लोगों के पास होना चाहिए। वो एक सस्पेंस रहेगा, वो इस वीडियो के बाद ही आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम लोग निकलते हैं इस बाइक को लेके। तो चलिए मैं आ गया हूँ मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, अभी गाड़ी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं उसके बाद गाड़ी को लेके निकलते हैं। और देखिए ज़रा बारिश गिर रहा है फिर से, बस निकलने ही वाला था बारिश गिर रहा है, कोई बात नहीं, पहले गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद वार्म अप करके उसके बाद निकलते हैं हम लोग जो भी काम हम लोगों का है। और ये देखिए ज़रा मैं आप लोगों को एक बार टेल लाइट भी दिखा देता हूँ, ये देखिए टेल लाइट की हालत, एक साइड जल रहा है और एक साइड नहीं जल रहा है, बहुत कम है, और गाड़ी की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी को वार्म अप कर लेते हैं, वार्म अप होने के बाद उसके बाद हम लोग ले जाएंगे गाड़ी को। अरे शायद कोई आया है बाहर पर। अरे हम सिंह क्या कर रहे थे? ऐसे ही अभी हम सोचा कि थोड़ा हैंडगार्ड को पेंट करवाने के लिए लेके जाऊँ थोड़ा सेंटर पे। क्या हुआ है? मैं भी अपना गाड़ी का चेकअप करेगा सोचा रहा है। क्या हुआ? इंजन लाइट आ रहा है ना इसलिए। ये देखो बजाज वालों, नए गाड़ी में भाई का इंजन लाइट आ रहा है, ये गाड़ी तो बस नया ही है कुछ दिनों पहले ही। क्या मतलब बार बार स्टार्ट में भी जल रहा है ना? स्टार्ट में भी जल रहा है, मैंने बहुत दिन से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अच्छा, तो इसको अच्छे से एक बार रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। तो चलो साथ ही चलते हैं, मैं भी सेंटर तरफ ही जा रहा हूँ, उस तरफ एक साथ चलते हैं ना, जाके उसके बाद बनवा लेते हैं। ये देखो भाई ने तो एडजस्टेबल लीवर्स भी लगवाया है मॉक्सी का। ये देखो RS 200 पीछे से कितनी सेक्सी लग रही है बिना टेल के। अरे भाई तुम्हारा ब्रेक पैड किधर गया? रात को गेट के बाहर रखा था, किसी ने गैप मार दिया। किसने गैप मार दिया भाई, क्या कहते हो भाई? ये देखो कितने खतरनाक चोर है, ब्रेक पैड भी आजकल लोग चोरी कर लेते हैं। तो चलिए गाड़ी निकालते हैं हम लोग भी। और 250 जो है ना, 250 गर्म होने में बहुत समय लेती है, 390 और 200 थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, पर 250 गर्म होने में थोड़ा समय लेती है, थोड़ा बस थोड़ा सा। दादा देरी नहीं करते हुए, ओ तू गेट लगाई दी हैं, ओ वो नहीं। तो चलिए निकलते हैं हम लोग भी ज़्यादा देरी नहीं करते हुए। इन 3 सालों में मैंने बाइक में इतना सारा प्रॉब्लम फेस नहीं किया है, पर अभी तो देखो गाड़ी थोड़ा बुरा हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो इसको पेम्पर करना ही पड़ेगा।
वैसे भी 3 सालों में मैंने इसको 20,000 किलोमीटर चला लिया है, तो थोड़ा बहुत तो सामान वामान लगाना पड़ेगा। ये क्लच लीवर और ये केबल जो मैंने शुरुआत से यूज़ करता हुआ है मैं आया हूँ शुरुआत, और ये एक्सेलेटर केबल भी थोड़ा बहुत ये सब रफ हो चुकी है, तो मैंने सोचा इस टाइम इन सब चीज़ों को मैं चेंज करवा लूँगा, और साथ ही साथ टेल लाइट को भी चेंज करवा लेंगे। आज तो मुझे बहुत मम्मी के पास डांट पड़ेगी। आज ही मम्मी ने टी शर्ट धुलवा के दिया है, और गाड़ी में ना ही टेल टाइट है ना ही मड गार्ड है, तो पिक्चर तो अच्छे से उठने वाला है पिक्चर बीच में। हाँ, इस तरफ बारिश ज़्यादा ही गिरा है, और अभी है सुबह का समय और टाइम अभी हो रहा है 11:58। सितंबर का 1 तारीख है आज। आई होप अगस्त ख़त्म होने के बाद सितंबर सबका अच्छा जाए, और आई होप बुलबुल भैया भी अभी शॉप पे हो, कि वो तो हमेशा गायब रहते हैं। हाँ, गायब भी है वो आज भी, अभी क्या करें। अरे भाई, ये तो गायब है, गायब है। चलो एक काम करते हैं, पहले पेंट बूथ से जाके देख के आएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। वाह, ये जगह तो पूरा चेंज ही हो गया, क्या था पहले और अभी क्या हो गया। अच्छा है, हफलोंग भी डेवलप हो रहा है दिन ब दिन, और ये कीचड़ की वजह से मैं थोड़ा जल्दी नहीं जा पा रहा हूँ, धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को उतर के दिखाऊँगा कि क्या हुआ है मेरे पीठ पे, यार उसको तो दिखा के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पेंट बूथ, ये रहा पेंट बूथ, जाके पूछते एक बार कोई अगर हो तो। दादा, आप लोग तो प्लास्टिक में पेंट करवाता ना? हाँ? प्लास्टिक में पेंट, प्लास्टिक का? हाँ, एक बार देख के जाइए तो। वो भैया है ना, भैया एक बार देख के जाइए ना, एक मतलब वो प्लास्टिक का वो हैंडल में जो लगा हुआ है ना प्लास्टिक का वो हैंड गार्ड, हाँ उसको पेंट करवाना है वाइट कलर में। एक बार देखिए तो ज़रा ये चीज़, पूरा पेंट टूट गया इससे देखो तो। तो इसको अच्छे से पूरा दोनों को भी पूरा प्लेन करके पूरा अच्छे से प्लास्टिक पेंट ही मारना है अच्छे से, हम खोल के दे देगा आप। मतलब ये भी नहीं चाहिए, बस ये जो हैंड गार्ड जो पेंट में है वही सेम कलर का चाहिए। वही तो कलर तो देखने लगेगा। ये देखो सीट की हालत, अगर ऐसे हो गई तो मेरे पीठ का हालत क्या हुआ होगा। हाँ, तुम्हारे पीठ पे भी है कीचड़। तो ये रहा हैंड गार्ड गाड़ी का, कुछ इस तरह है दिखने में। ये देखिए बहुत सारा स्क्रैच है इसमें ऊपर से नीचे तक। ये जब से गाड़ी खरीदा है तब से ये गाड़ी पे लगा ही हुआ था, और आज इसको उतारा है गाड़ी से। अभी गाड़ी देखने में अलग हो गई हो जाएगा, हम चलाने में भी अलग हो जाएगा। और ये देखिए हमारे और एक सब्सक्राइबर जो हमारे ही वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब कर देना भैया, थोड़ा हेल्प हो जाएगा आपसे भी। थैंक यू ब्रो। After a long time, bhai. After a very long time. तो ये देखिए हैंड गार्ड खोलने के बाद गाड़ी देखने में कुछ ऐसी लगती है अभी, खास तो नहीं लग रही है पर चला के देखना पड़ेगा। ये है दोनों हैंड गार्ड मेरे, ये मेरे दोनों हैंड गार्ड्स, इनको आज पेंट करवाने दे जाएंगे, और 2 दिन के बाद इनको आके ले जाएंगे, देखते हैं कैसा होता है पेंट का काम। भैया कब आएगा? कल कल 2-3 बजे सर। शाम तरफ ना? शाम तरफ में। ठीक है। वाह, बहुत पूरा खाली खाली लग रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरे बाइक में मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। वाओ, लाइट हैंडल ब्रो,
वेरी लाइट ब्रो। देखते हैं एक दो दिन ऐसे ही चलाएंगे जब तक हैंड गार्ड पेंट होके नहीं आती है। तो पहुंच चुके हैं बुलबुल भैया के शॉप पे और देखिए हमारी बाइक देखने में कुछ ऐसी लग रही है भाई, सच में थोड़ा अलग दिख रहा है, इतना कुछ खास तो मुझे नहीं लग रहा है, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। और गाड़ी में बहुत कुछ खोल दिया अभी गाड़ी से, हैंड गार्ड भी उतार दिया है, मिरर्स भी उतार दिया है, पीछे का मड गार्ड भी उतार दिया है, टेल टाइडी भी उतार दिया है, सब कुछ लगवाना पड़ेगा एक बार से गाड़ी को ठीक ठाक करवा के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मुझे ये टेल लाइट को चेंज करवाना है उससे मुझे, क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है जब भी पीछे से देखता हूँ गाड़ी खटरा खटरा सा दिख रही है। ब्रेक पैड भी चेंज करवाना है। और तुमने ब्रेक पैड खरीदा है तो अभी क्या करोगे? तो भैया तो मिले नहीं हम लोगों को, तो इसलिए ये देखिए हम सिंह अपना काम खुद ही कर ले रहा है। तो यहाँ का काम हो गया ख़त्म, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से और हम सिंह को अभी नंबर प्लेट लगवाना है अपने गाड़ी में, उसका नंबर प्लेट आ रहा है तो इसलिए जाके उसको भी फिक्स करवाते हैं। भाई ब्रेक के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, KTM के ब्रेक तो बस फेनोमिनल है। जा रहे हैं बजाज शोरूम पे, वहाँ पे जाके हम सिंह का जो नंबर प्लेट आज आया है उसको फिक्स करवाएंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो ये देखिए नंबर प्लेट भी फिक्स हो चुका है और इसके साथ हम लोगों ने कवर भी लगवाया है ताकि ये वाइब्रेट ना करे और ज़्यादा। तो चलिए अभी काम तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी मुझे भी जाना है घर। घर टाइम कितना हुआ है? 1:34। घर मुझे भी जाना है, जाके खाना खा के फिर अपने शॉप पे जाना है, पापा को छोड़ना है खाना खाने के लिए, क्योंकि जो मुझे खाना खिलाता है एटलीस्ट उसको तो खाना खाने का टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अभी मैं जाता हूँ, निकलता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो आज वॉश नहीं करवाऊँगा, मैं एक बार से घर जा कर ही करवाऊँगा किसी और दिन जब समय मिलता है। अभी के लिए बस हम सिंह के गाड़ी को वॉश करवा देते हैं। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय।